नालंदा, गया, नवादा और जहानाबाद जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों में जीवनदायिनी गंगा नए जल प्रपात से खेतों में हरियाली लाएगी। गंगा की जलधाराओं को मोड़कर इन जिलों में ले जाने की बड़ी योजना बनाई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की पहल पर सूबे का जल संसाधन विभाग इस पर काम शुरू करने जा रहा है। पिछले दिनों पृथ्वी दिवस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इन सूखाग्रस्त जिलों में गंगा जल से सिंचाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना की कालेश्वरम योजना की तरह नदी को लिफ्ट करने के गुर सीखने की सलाह दी थी। कालेश्वरम की इस योजना में नदी की धारा को लिफ्ट कर नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता है। अगर ये योजना कारगर हुई तो बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों में गंगा जल से खेती को उन्नत करने और जल संग्रहण के नए आयाम जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्य की तकनीक को सीखने अधिकारियों की टीम जल्द ही तेलंगाना जा रही है। वहां कालेश्वरम योजना का अध्ययन करके ये टीम लिफ्ट तकनीक से सिंचाई संसाधन जुटाने के गुर सीखेगी और तकनीक अगर कारगर हुई तो टीम नालंदा में योजना का खाका तैयार करेगी। इसके बाद आगे की काम की योजना पर शुरुआत होगी। वहीं जल संसाधन विभाग इस काम में दो विकल्पों पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि बख्तियारपुर से नालंदा तक नहर बनाकर गंगा का पानी उसमें लिफ्ट किया जाएगा और दूसरी योजना गंगा के पानी को बरसाती नदी के मुहाने में डालने की है। पानी पहुंचते ही इससे जुड़ी नदियों में जलधारा बहने लग जाएगी, तब जाकर नहरों को बनाकर पानी को जरूरी खेतों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के उत्तरी जिलों में नेपाल की तराई वाले क्षेत्रों की बारिश का पानी तबाही मचा डालता है, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिले कम बारिश के कारण मार सहते हैं और सूखाग्रस्त बने रहते हैं। नहरों में पानी नहीं रहने से इन इलाकों में सिंचाई के भी लाले पड़ जाते हैं। अभी दक्षिण बिहार के इन इलाकों में सूखे की हालत बनी हुई है। ऐसे में अगर इस तकनीक का इस्तेमाल होता है और इसे जमीन पर उतारा जाता है तो ये बिहार के लिए वाकई फायदेमंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।